हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। तो फाइनली जो है Xiaomi यू का MIUI 12 का 20.4.30 वर्जन जो है वो रिलीज हो चुका है Redmi Note 0.7 Pro यूजर के लिए, जिसको आज हम अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर चुके हैं और उसको रन भी कर रहे हैं। तो मैं बताऊंगा आपको इसके अंदर क्या क्या इसके अंदर फीचर्स देखने को मिले हैं और कैसे आपने इसको अपने Redmi Note 7 Pro के अंदर जो है इंस्टॉल करना है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है Redmi Note 7 Pro और आज इसके अंदर जो है हम MIUI 12 का जो बीटा वर्जन है Xiaomi EU का 20.4.30 वर्जन उसको रन कर रहे हैं। ये चाइना के ऊपर बेस्ड होता है, बट इसके अंदर कोई भी आपको चाइना की फालतू की एप्लीकेशन नहीं मिलती है और कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं मिलती है जिसके अंदर आपको चाइनीज लैंग्वेज आपको देखने को मिले। तो ये देखिए MIUI 12 वर्जन 20.4.30 वर्जन है, ये Redmi Note 7 Pro है। ऑल स्पेक्स में जाएं तो मैं आपको दिखाता हूँ, एंड्रॉइड वर्जन 10 के ऊपर ये रन कर रहा है, यानी एंड्रॉइड 10 आपको देखने को मिलता है। एंड सिक्योरिटी पैच आपको इसके अंदर मिला है 1st of April 2020 का। ये बेसिकली जो है MIUI 12 का जो चाइना बीटा है उसके ऊपर बेस्ड है, बट कोई भी आपको इसके अंदर फालतू की एप्लीकेशन, आप चाइनीज एप्लीकेशन आपको यहाँ पे कोई भी देखने को नहीं मिली। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर जो है आपको इसके अंदर प्री इंस्टॉल मिलता है, यानी कि गूगल एप्स जो है आप इसके अंदर परफेक्टली यूज कर सकते हैं और आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। अगर ओवरऑल लुक की बात की जाए तो आपको जो है सारे के सारे फीचर्स जो है MIUI 12 के देखने को मिलते हैं, जैसे आपको कंट्रोल सेंटर मिल जाता है जिसको आप यहाँ से इजीली यूज कर सकते हैं। सभी के सभी फीचर्स अगर आप जानना चाहते हैं इन फीचर्स को कैसे यूज करते हैं, तो मैंने जो एक वीडियो बना रखा है टॉप 30 प्लस MIUI 12 फीचर्स, उसको जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वाईफाई कॉलिंग और वोल्टेज सिम इसमें परफेक्टली काम कर रहा है, उसमें सच्चे से आपको कोई भी इशू नहीं है। सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में देख पा रहे हैं हम एयरटेल यूज कर रहे हैं और इसके अंदर जो है आपको वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आप ऊपर देख भी पा रहे होंगे स्टेटस बार में वाईफाई कॉलिंग का जो आइकन है वो ऑलरेडी एक्टिवेट है। आपको होम स्क्रीन का लुक कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। आपको इसके अंदर जो है एंड्रॉइड 10 मिल जाते हैं और लेटेस्ट जेस्चर्स आपको मिलते हैं। स्वाइप अप करते ही आपके फोन के अंदर जो है ऐप ड्रॉअर लॉन्च होता है। स्वाइप अप करके आप होल्ड करते हैं तो रीसेंट टैब्स जो है आपके फोन के ऊपर यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। यहीं पे आपको फ्लोटिंग विंडोज का भी ऑप्शन मिलता है, जहां से आप फ्लोटिंग विंडो में कोई भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप गूगल प्ले स्टोर को हमारे इस टाइम पे फ्लोटिंग विंडो एज देख पा रहे हैं। आप इसको किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर यूज कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करें, इसको कहीं पर भी आप ड्रैग कर सकते हैं। आपको मिनिमाइज करना है तो आप इसको होल्ड करके यहाँ से थोड़ा सा तो राइट साइड पर ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद जो है ये आपके थोड़ी मिनिमाइज हो जाती है। क्लोज करने के लिए टैप कीजिए एक बार और होल्ड करके स्वाइप अप कर दीजिए, आपकी विंडो जो है क्लोज हो जाती है। नीचे आपको जो है इसके अंदर जो है आपको पिल देखने को मिलता है, जिस पर आप इस तरीके से जेस्चर करते हैं राइट साइड को, तो आपको रिसेंट विंडोज में जो है लास्ट एप्लीकेशन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर ओपन होती रहती है, जिनको आप यहाँ से इजिली एक्सेस कर पाते हैं। फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक परफेक्टली काम कर रहा है। ये देखिए फेस अनलॉक जो है हमारा फोन जो है अनलॉक हो चुका है। कैमरा जो है आपको इसके अंदर Redmi Note 7 Pro का MIUI 11 का ओल्ड वर्जन ही देखने को मिलता है। लेटेस्ट कैमरा आपको अभी देखने को नहीं मिला है। अब सेटिंग्स में चलते हैं, कुछ और चीजों को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो सेटिंग्स पैनल का लुक आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है। जो मेजर डिफरेंस मुझे यहाँ पे देखने को मिला है MIUI 12 चाइना के मुकाबले, आपको ऊपर जो है एक यहाँ पे मी अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसपे टैप करते ही आपको अपने Xiaomi क्लाउड की डिटेल और हेल्थ ऐप के दो टैब्स देखने को मिलते थे, वो ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है। बाकी मोस्टली जो है सारे ऑप्शंस आपको वही देखने को मिलते हैं। लॉक स्क्रीन में जाए तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर जरूर मिलते हैं चाइना के मुकाबले। साथ ही साथ इसके अंदर जो है आपको लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट के अंदर एक नया क्लॉक फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। उसी तरीके से साइड पैनल शॉर्टकट्स को आप मैनेज कर सकते हैं लॉक स्क्रीन के अंदर। बाकी ऑप्शन वही आपको मिलते हैं जो MIUI 12 में देखने को मिले। डिस्प्ले में ब्राइटनेस लेवल में आपको जो है सनलाइट मोड इसके अंदर एक्स्ट्रा मिलता है। कलर स्कीम जो है वो चेंज कर दी गई है UI इसके अंदर। डार्क मोड आपको 2.0 मिल जाता है, जिसको आपको इनेबल करने के बाद आपको कुछ और ऑप्शन मिलते हैं, जैसे इंडिविजुअल एप्स और एडजस्ट कॉन्ट्रास्ट ऑटोमेटिकली, ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। और एक ऑप्शन और मिलता है एडजस्ट वॉलपेपर टू डार्क मोड, तो ये डिस्प्ले के अंदर आपको डार्क मोड में देखने को मिला है। सिस्टम फॉन्ट में आपको डिफॉल्ट फॉन्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर नॉच स्टेटस बार में जाएं तो आपको हाइड नॉच का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। बाकी ओवरऑल वही सारी आपको चीज़ें मिलती हैं, बट आपको इसके अंदर कुछ और ऑप्शन भी एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आपको जो कंट्रोल सेंटर है ये पसंद नहीं है, आप चाहते हैं आप MIUI 11 पे वापस जान सकते हैं, तो आप इसको डिसेबल कर देंगे यूज़ कंट्रोल सेंटर, और आपको जो MIUI 11 का कंट्रोल सेंटर यानी नोटिफिकेशन बार जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी तरीके से बैटरी इंडिकेटर का पैनल जो है आप देख पा रहे होंगे UI में चेंजेस हैं, कुछ इस तरीके आपको यहाँ पे UI देखने को मिला है। बाकी आपको क्विक सेटिंग्स लेआउट और कोलैप्स आफ्टर टच का ऑप्शन यहाँ स्टेटस बार में देखने को मिलता है। फुल स्क्रीन मोड आपको मिल जाता है इसके अंदर, उसमें सच कोई भी इशू नहीं है।
साउंड एंड वाइब्रेशन का मोड भी आपको अपडेटेड मिलता है, जिसमें प्रोफाइल वीडियो फॉर इनकमिंग कॉल्स, एडिशनल सेटिंग्स और साउंड इफेक्ट से कुछ ऑप्शंस आप यहां पे देख पाते हैं। नोटिफिकेशन का पैनल एज इट इज वैसा ही है, उसमें कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। होम स्क्रीन में आपको लेटेस्ट होम स्क्रीन लॉन्चर मिलता है इसके अंदर, जिसमें आप जो है विद ऐप ड्रॉअर और विदाउट ऐप ड्रॉअर यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको अपने फोन के अंदर राइट साइड पे ऐप वॉल्ट नहीं चाहिए तो आप उसको जाके चेंज भी कर सकते हैं। वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है कि ऐप वॉल्ट को आप गूगल डिस्कवर के साथ चेंज कर दें, तो उसके बाद जो है आपके फ़ोन के अंदर से जो है ऐप वॉल्ट रिमूव हो जाता है और आपको यहाँ पे गूगल की फीड यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है सिर्फ Xiaomi EU के रोम के अंदर ही देखने को मिलता है। बाकी ग्लोबल सर्च में आप इसको चेंज कर सकते हैं, स्वाइप अप पे चाहिए, सर्च बार चाहिए या नन, उसको यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। आइकन साइज को आप चेंज कर पाते हैं, होम स्क्रीन लेआउट ऑप्शन मिल जाते हैं अपने चेंज करने के इसके अंदर। ये कुछ ऑप्शंस आप यहाँ पे इजीली जाके चेकआउट कर पाते हैं इस टाइम पे। तो रोम तो इस टाइम पे काफी स्मूथ है, MIUI 12 के सभी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, कोई भी चाइनीज की एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलती है और गूगल प्ले स्टोर भी आपको इसमें मिल जाता है। वॉलपेपर की बात करें तो वॉलपेपर आपको सिस्टम वॉलपेपर्स में लेटेस्ट MIUI 12 के वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, जैसे नेचर पैटर्न्स, ज्योमेट्री, डायनेमिक, मिनिमलिस्टिक, ब्लैक एंड व्हाइट एंड मार्स। थीम्स के अंदर आपको वही दो थीम्स देखने को मिली हैं जिसको आप यहां से यूज कर सकते हैं इसके अंदर। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी मैंने आपको बता चुका हूं, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट परफेक्टली काम कर रहा है। UI में आपको जरूर चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे आप देख रहे हैं नए टैब्स आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन का एक नया ऑप्शन यहां पे देखने को मिलता है। बैटरी परफॉर्मेंस का लेआउट कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है, जिसमें आपको अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड और नए UI के साथ कुछ ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस की यहाँ पे स्क्रीन्स यहाँ पे देखने को मिली हैं आपको। उसी तरीके से अगर आप बैटरी यूजर स्टेटस चेक करें तो इसमें भी आपका UI में काफ़ी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ऐप्स में जाएं तो ऐप्स में वही आपको सिस्टम ऐप सेटिंग्स, मैनेज ऐप्स, ड्यूल ऐप्स, परमिशंस और ऐप्स लॉक के ऑप्शन मिलते हैं। एडिशनल सेटिंग्स में वही आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे बटन शॉर्टकट्स, नोटिफिकेशन लाइट, क्यूब बॉल, 100 मोड और एक्सेसिबिलिटी के कुछ चीजें आप देख पाते हैं। स्क्रीन टाइम अपडेटेड मिला है आपको लेटेस्ट UI के साथ। इसमें आपको फोकस मोड मिल जाता है जिसको आप यहाँ से इजीली यूज कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम भी अपडेट होता है। फीचर्स में आपको देख पा रहे होंगे गेम टैबो मिला है, वीडियो टूल बॉक्स जिसके बारे में पता ही किस तरीके से काम होता है, फ्लोटिंग विंडो आप देख चुके हैं, सेकंड स्पीड, MIUI लैप और लाइट मोड यहाँ पे आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी आपको वही मी अकाउंट, गूगल अकाउंट सिंक, प्राइवेसी, लोकेशन और सर्विस एंड फीडबैक कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। सिक्योरिटी का ऐप जो है अपडेट कर दिया गया है, नया MIUI 12 का आपको यहाँ पे अपडेट मिला है इसके अंदर। अगर आप यूटिलिटीज में जाएं तो कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, बट इसके अंदर जो अर्थक्वेक मोड है वो मिसिंग है, वो सिर्फ चाइना के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये भी आपको अपडेटेड देखने को मिलता है। अगर वेदर एप्लीकेशन की बात करें तो वो भी आपको अपडेटेड इसके अंदर देखने को मिला है, जिसमें कुछ नए एनिमेशन आप यहाँ पे देख पाते हैं इस टाइम पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारे के सारी चीज़ें MIUI 12 के मिलते हैं। सिर्फ जो है अनवांटेड जो ऐप्स होते हैं चाइनीज के उनको रिमूव कर दिया गया है और थीम स्टोर जो कि चाइना में आपको चाइनीज लैंग्वेज मिलता था वो आपको यहाँ पे ग्लोबल लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाता है और जो कि परफेक्टली काम कर रहा है कुछ इस तरीके के लुक के साथ मिलता है, जिसमें आपको थीम्स, वॉलपेपर्स, डायनामिक रिंगटोन्स, फॉन्ट्स एंड आइकन्स के टैब मिल जाते हैं। थीम कंपोनेंट्स में आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पे टैब देखने को मिलते हैं और थीम लैब में ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर और वॉलपेपर स्लाइड्स का भी कुछ ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। हेल्थ ऐप भी आपको लेटेस्ट और अपडेटेड यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कुछ इस तरीके UI के साथ आता है, जिसको आप यहाँ पे जाके इजीली चेकआउट कर सकते हैं। सारी चीज़ों को आपका स्लीप मोड क्या रहा है, आपका वर्कआउट्स क्या रहे हैं, आपका वेट क्या परफॉर्मेंस रही है, वो सब चीज़ों को आप हेल्थ मोड पे जाके इजीली चेकआउट कर सकते हैं। रेडमी नोट 7 प्रो यूजर हैं और जानना चाहते हैं कि MIUI 12 के ऊपर आप जो है पबजी कौन से मोड पे खेल पाते हैं, तो मैं आपको ग्राफिक्स का पेज दिखा देता हूँ। आप ग्राफिक्स को सिर्फ HD मोड तक ले जा सकते हैं और फ्रेम रेट को हाई पे खेल सकते हैं, बैलेंस पे भी आप जो है अल्ट्रा तक जा सकते हैं और स्मूथ पे भी आप अल्ट्रा मोड तक ही इसमें गेम्स को खेल पा रहे हैं। अब चलते चलते एक बार हम गैलरी की एप्लीकेशन को भी चेक कर लेते हैं कि गैलरी आपको कौन सी मिली है। तो गैलरी आपको जो है इसके अंदर लेटेस्ट मिली है, इसके अंदर आपको स्काई मोड मिल जाता है अपनी इमेजेस के अंदर। आप मेमोरीज में जाएं, आपको यहाँ पे वीडियो एडिटर मिल जाता है, जिसमें आप किसी भी वीडियो को सिलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हैं, उसके एस्पेक्ट रेशियो को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे एडिटिंग के ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसी तरीके से फाइल मैनेजर भी आपको लेटेस्ट इसके अंदर देखने को मिला है, कुछ इस तरीके UI के साथ, जिसमें आप इसको शॉर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप इसके व्यू को चेंज कर सकते हैं। आप एज ए अल्फाबेटली इसके अंदर जो है अपने फोल्डर्स को सर्च कर सकते हैं या फिर ऐसे रीसेंट जिस चेंजेस जिसमें किए हैं उस तरीके से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगा आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ आपको एक zip फाइल चाहिए, जो कि है Xiaomi EU की रोम की zip फाइल, जो कि 2.03 GB की है। उसके बाद जो है आपको सिंपली अपने फ़ोन को कस्टम रिकवरी में बूट करना पड़ेगा। ये Xiaomi EU मॉडेड रोम है MIUI 12 बीटा का, तो इसके लिए अनलॉक बूट लोडर चाहिए और कस्टम रिकवरी आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होनी चाहिए। आप TWRP, पिच ब्लैक या ऑरेंज फॉक्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टम रिकवरी बूट करने के लिए हम माई डिवाइस पर जाएंगे, MIUI 12 वर्जन पर जाएंगे,
यहाँ पे जो आपका MIUI 12 का जो वर्जन है इस पे 7-7 बार टैप करेंगे, उसके बाद मेनू पे जाइए, यहाँ पे आपको रिबूट टू रिकवरी मोड देखने को मिलता है, यस कर दीजिए। अब जो आपका फ़ोन है अगर आपने कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर रखी है तो उसके ऊपर बूट करेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए और कस्टम रिकवरी जो है आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारा फ़ोन जो है ऑरेंज फॉक्स जो कस्टम रिकवरी है उस पर बूट कर चुका है। वाइप पर जाएंगे, डालवी कैश, कैश, सिस्टम डाटा, इन सभी को वाइप कर देंगे। स्वाइप टू है, डाटा का बैकअप जरूर ले लीजिएगा कि आपका सारा डाटा जो है डिलीट हो जाएगा। आपको नहीं पता है बैकअप कैसे लेते हैं तो उसका भी एक मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो आपने Xiaomi EU की रोम को सिलेक्ट करना है और स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है। अब ये नियर अबाउट 2 to 3 मिनट्स लेगा इंस्टॉल होने का, उसके बाद रिबूट सिस्टम करेंगे और अपने फ़ोन को सेटअप करेंगे और Xiaomi EU का MIUI 12 का जो बीटा वर्जन है उसको अपने Redmi Note 7 Pro के अंदर इंजॉय कर पाएंगे। तो अगर आप लोग इस रोम का वेट कर रहे थे और MIUI 12 का बीटा चाइना वर्जन को इंस्टॉल नहीं करना चाहते थे जिसमें आपको गूगल ऐप्स नहीं मिलते हैं और काफ़ी अनवांटेड ऐप्स मिलते हैं, काफ़ी चाइनीज ऐप्स मिलते हैं, तो वो आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं और आप इस रोम को एज ए अपने डेली ड्राइवर अपने फ़ोन पे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का रोम और आज की वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।